आज हमारा टॉपिक है कन्वर्जन का। तो फर्स्ट कन्वर्जन हमारे पास है डेसिमल सिस्टम टू अदर। अब अदर के अंदर कौन कौन से आएंगे? मेन फर्स्ट हम डेसिमल से जाएंगे बाइनरी के अंदर, फिर डेसिमल से हम जाएंगे ऑक्टल के अंदर, डेसिमल से हम जाएंगे हेक्साडेसिमल। तो ये फंक्शन हमने परफॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हमारे पास फर्स्ट कन्वर्जन है डेसिमल नंबर सिस्टम टू बाइनरी नंबर सिस्टम की तरफ हम जाएंगे। तो मेरे पास फर्स्ट एक एग्जांपल है, क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट, अगर मेरे पास आ जाता है कि डेसिमल नंबर सिस्टम है 19, अब इसके साथ कोई बेस रिप्रेजेंट नहीं की गई, लेकिन चूंकि ये हमें मालूम है 19 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आता है, एक सिंपल सा डिजिट है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, बेस टू के अंदर। तो जब भी हम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम जाएंगे या डेसिमल टू किसी भी अदर सिस्टम में जाएं, तो सिंपल सा एक रूल है कि डेसिमल से जिसमें भी जाना है हमने हमेशा डिवीजन का प्रोसेस इस्तेमाल करना है। तो एक सिंपल सा रूल है, डेसिमल टू अदर अदर में कोई भी आ सकता है, आपका ऑक्टल आ सकता है, हेक्साडेसिमल आ सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपका जो भी डेसिमल का नंबर हो वो विदाउट फ्रैक्शन हो या विदाउट जिसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं, पॉइंट के अलावा सिंपल सा हो, तो उसको हमने हमेशा डिवीजन के प्रोसेस से अप्लाई करना, उसके ऊपर डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर। सो डेसिमल टू अदर ऑलवेज डेसिमल टू अदर जब भी आपने जाना होगा ऑलवेज डिवाइड बाय रिक्वायर्ड बेस। आपने जिस भी नंबर सिस्टम में, मतलब हम 19 इसमें डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं, तो बाइनरी की बेस कितनी है 2, तो हम 19 को 2 पे डिवाइड करेंगे। अगर हम डेसिमल से जाते ऑक्टल के अंदर तो मैं 8 पे डिवाइड करता, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाता तो मैं 16 पे डिवाइड करता। तो ये एक रूल बना दिया, सिंपल सी लाइन लिखती है कि डेसिमल टू अदर जब भी आप जाएंगे ऑलवेज डिवाइडेड बाय द रिक्वायर्ड बेस, आप जिस बेस के अंदर उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं उस बेस के ऊपर इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसके डिवीजन का प्रोसेस हम करते हैं, देखिए किस तरह होगा। तो फर्स्ट 19 है, 19 को आप लोगों ने ये वाला प्रोसेस किया होगा एलसीएम के लिए, एचसीएफ के लिए। सो 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 1 बचा, 2 4 रिमाइंडर 1, 2 0 एंड 1 0। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। ये जो फर्स्ट वाली बिट होती है इसको कहा जाता है LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाली जो बिट होती है उसको बोला जाता है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लिखने का तरीका क्या होता है, मोस्ट से लीस्ट की तरफ हमने मूव करना है। तो ये डायरेक्शन होती है हमारे लिखने की। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 0 0 1 1, ये हमारा कन्वर्ट हो गया 19, मतलब बेस 10 से हम कन्वर्ट हो गए हैं बेस 2 के अंदर।
एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरे एग्जांपल हमारे पास है 45, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है बेस 2 के अंदर, तो यहाँ पर भी हम डिवीजन का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं सिंपल वाले केस की कर रहा हूँ जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल नहीं हो रहा, विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले कन्वर्जन कर रहे हैं, इसके बाद हम डेसिमल पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो 45 जो कि बेस 10 के अंदर है, इसको हमने बेस 2 के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर भी हम डिवीजन का प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, 45 को 2 पे डिवाइड करेंगे, वन बचा, 11, 0, 2 5 10, 1 बचा, 2 2 4, बाकी हमारे पास बचा 1 एंड 2 1 1 एंड 2, बाकी बचा हमारे पास 0। तो डायरेक्शन हमारे पास फिर यही बनेगी मोस्ट सिग्निफिकेंट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। तो 45 का हमारे पास बाइनरी जो नंबर जनरेट हुआ वो हुआ 1 0 1 1 0 1। तो ये हमने सिंपल कन्वर्जन कर ली, डेसिमल से हम बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर गए जिसमें हमने किसी किस्म का कोई डेसिमल पॉइंट वाला डिजिट यूज नहीं किया, कोई नंबर इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करेंगे डेसिमल पॉइंट वाले नंबर की, कि उसको हमने किस तरीके से डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है।